फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल मार्केट के जैसे नींबू की अचार घर पर ही तैयार करेंगे। आप देखेंगे कि इसे कितने कम खर्चे में, कितने कम सामानों के साथ घर पर कितनी आसानी से तैयार किया जा सकता है। इतने कम खर्चे में इतना सारा अचार तैयार हो जाता है और हम छोटी छोटी बॉटलों में इतने महंगे में मार्केट से अचार खरीद के लाते हैं, तो ये अचार सालों साल तक कुछ नहीं होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्नैक्स। आइए देखिए इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 10 नींबू लिए हैं, धोकर पहले पोंछ लिया है। हमें एकदम पतले छिलके का नींबू लेना चाहिए। जब भी अचार बनाते हैं, मोटे छिलके के नींबू से अचार नहीं बनाना चाहिए। विंटर में दिसंबर जनवरी के महीने में जो नींबू आते हैं वो अच्छे पीले पीले होते हैं और पतले छिलके के होते हैं, और जो बरसात के जो नींबू होते हैं उससे अचार नहीं बनाना चाहिए। वो अचार सालों साल नहीं चलते हैं। तो अगर आप रखने के लिए बना रहे हैं और तो इस तरह से विंटर में ही नींबू जो आते हैं उससे बनाएं। तो ये देखिए, मैंने नींबूओं को इस तरह से चार भागों में काटा है और जो सीड्स हैं उसे हमें निकाल देना है। जितना हो सके उतना सीड्स पूरा ऊपर ऊपर से हम इसका निकाल दिए हैं। और 10 नींबूओं को यहाँ पर मैंने काट दिया है। एक मीडियम साइज़ के गाजर को धो लें और धोकर पोंछ लें और छील लें और इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप्स में इसे काट लेंगे। हम यहाँ पर मिक्स्ड अचार बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें गाजर और मिर्च डालेंगे। तो इस तरह से मिर्च को भी मैं पतले पतले इस तरह से काट रही हूँ। आपको जितना भी डालना है, तो मैंने यहाँ पे 7 से 8 डाला है मिर्च। अगर मिक्स्ड नहीं बनाना चाहते तो प्लेन नींबू से भी इसे बना सकते हैं। अब एक कढ़ाई में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3/4 छोटे चम्मच अजवाइन और 3/4 छोटे चम्मच सौंफ और 1/2 छोटे चम्मच मेथी, सूखी हुई जो मेथी होती है वो, 1/8 टीस्पून हींग और 3/4 टीस्पून जीरा। सबको डालकर हम धीमी आंच में हल्के से रोस्ट कर लेंगे, जब तक अच्छे से इसमें खुशबू ना आने लग जाए। हमें इसे एकदम धीमी आंच में रोस्ट करना है। अब जब ये अच्छे से भून जाएगी तब हम गैस बंद कर देंगे और 1 छोटे चम्मच इसमें अचार में जो हम पीली सरसों की दाल डालते हैं ना, वही डालना है। और इसे गर्म पैन में इस तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर उसके बाद इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। मिक्सी की जार में डालकर चिकना पाउडर इसका तैयार कर लेंगे। एक कढ़ाई में हम यहाँ पर 1/3 कप कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं और साथ ही हम डाल रहे हैं 3 बड़े चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल से थोड़ा सा एक अच्छा सा तीखा जैसा टेस्ट आता है, इसलिए इसका यूज़ मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे चुटकी भर हींग और 1 छोटे चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 छोटे चम्मच लहसुन का पेस्ट। मार्केट वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर घर में कूट कर यूज़ किया है। अब हम इसको लो हीट में अच्छे से कुक करेंगे थोड़ी देर तक, 1 से 2 सेकंड के लिए। उसके बाद हम इसमें अपना जो मसाला हमने जो पीस कर तैयार करके रखा था उसको हम डाल देंगे। अभी हीट हम लो रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर, 3/4 छोटे चम्मच हल्दी। ये देखिए, धीमी आंच में इसमें इस तरह से झाग झाग सा क्रिएट होने लगा है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/3 कप नमक और नमक डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम डाल रहे हैं 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे थोड़ा अच्छा कलर आएगा। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हम नींबूओं को, गाजर को और हरी मिर्च को डाल देंगे। गैस बंद करके हमें इसे डालना है। ये देखिए, अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं। थोड़ी देर के बाद जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1/3 कप विनेगर, जो सिरका होता है, ये सिरका है वाइट वाला, तो उसको हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितने कम सामानों के साथ और कितनी आसानी से घर पर बिल्कुल मार्केट के जैसी मिक्स्ड अचार तैयार हो गई है। अब इसे स्टोर करके रखेंगे किसी जार में। इसे खाने लायक होने में 2 से 3 महीना लग जाएगा, क्योंकि नींबू का अचार हमेशा बहुत ही लेट गलता है। तो अगर आपको मेरी बताई गई रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।